हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग बाइट्स। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपने आपके क्लास 6th पे चैप्टर 1 में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सीखा था, तो उसी नेचुरल रिसोर्सेज के प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ओके, अब बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, लेट्स रिकॉल फ्यू क्वेश्चंस। व्हिच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर? व्हाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइप्स ऑफ इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर। ये सभी गैसेस के प्रपोर्शंस यहाँ पे मेंशन है। नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21%, एंड रेस्ट जो 1% है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस होते हैं। अदर गैसेस मीन्स जो इनर्ट गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट होता है, उसका जो प्रपोर्शन होता है एयर में, दैट्स इन दिस 1%। ठीक है, द एयर इज मिक्सचर ऑफ ऑल दीज गैसेस। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एयर को होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहते हैं। एयर को होमोजीनियस मिक्सचर इसीलिए कहते हैं बिकॉज जो गैसेस प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस प्रेजेंट है एयर में, उसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वन पॉइंट। फिर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर जहाँ पे सारे ही कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका प्रपोर्शन जो होता है, आप कहीं पे भी देख लोगे तो एयर का प्रपोर्शन सेम ही होगा। दैट इज एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होगा, 21% ऑक्सीजन होगा। सो ये जो एयर का प्रपोर्शन, आप कोई भी सैंपल लोगे, कहीं से भी ले लोगे, तो एयर का प्रपोर्शन इतना ही होगा। नाउ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बट ओवरऑल अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो यही प्रपोर्शन होगा, इसीलिए हम एयर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर? सो द फर्स्ट गैस इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन जो होता है, दैट इज हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस? सिंथेसिस मतलब प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए या प्रोटीन्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यू माइट हैव स्टडीड कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। प्रोटीन्स हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसके लिए भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो क्योंकि ये प्रोटीन्स इतना इंपॉर्टेंट है, उसके प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरत है? नाइट्रोजन की जरूरत होती है। सो नाइट्रोजन हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंड यूज इज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अक्सर फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसमें अमोनिया का यूटिलाइजेशन होता है, तो इस अमोनिया को बनाने के लिए भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। देन थर्ड यूसेज इज एयरटाइट पैकेजिंग ऑफ फूड। अब अक्सर जो चिप्स और कुकीज खाते हैं उसके अंदर आप देख सकते हो कि एयर इज फिल्ड इनसाइड दैट, दैट एयर इज नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? बिकॉज वो फूड को स्पॉइल होने से बचाता है, एंड नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि फूड के साथ रिएक्ट करके उसको स्पॉइल नहीं करता है। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन एयरटाइट पैकेजिंग ऑफ फूड। सेकेंड गैस इज ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर कंबशन प्रोसेस। कंबशन मींस बर्निंग प्रोसेस। ओके, कोई भी चीज को जब हम जलाते हैं, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? कंबशन प्रोसेस होता है उधर। तो कंबशन प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन प्रोसेस नहीं हो सकता है। ओके, सो कंबशन, अगर कोई भी चीज को जलाना है हमें, तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही वो जल सकता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। एज वी ऑल नो, अब ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर जाके देन लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपन ओवर देयर, सो रेस्पिरेशन इज अ सेकंड यूज ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट यूज है फोटोसिंथेसिस पे। नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस इन योर लोअर क्लासेस, दैट इज इट्स अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे हमने ऑक्सीजन में देखा था, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन, मतलब चीजों को जलाने में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, तो चीजों को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा आपकी सोसाइटीज में या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव अ रेड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ओवर देयर, जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको जब आप स्प्रे करते हैं ऑन द थिंग्स दैट इज बर्निंग, कोई भी चीज जब जल रही है उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, तो व्हाट इट डज इज वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है एंड ऑक्सीजन को उस ऑब्जेक्ट से दूर रखता है। अब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट जलेगा भी नहीं। ओके, सो दैट्स हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स।
ठीक है, सो दीज वर द यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट लेट अस लुक एट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. ये सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी जस्ट द मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं. एयर हैज मास एंड वेट. एयर में मास भी होता है एंड एयर में वेट भी होता है. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मैटर से बना होगा तो उसमें मास होता है, एंड मास है मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट भी होगा. अब मास एंड वेट थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, रिलेटेड है एक दूसरे से, बट दे आर बिट डिफरेंट. जो कि आप आपके हायर स्टैंडर्ड्स पे उसके बारे में डिटेल में सीखोगे. इट विल बी अ बिट कंफ्यूजिंग नाउ. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एयर हैज मास एंड वेट. ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. ऑफकोर्स हमें पता है कि एयर जो है गैसेस से बना है. गैसेस से बना है दैट मीन्स इट विल हैव लॉट ऑफ पार्टिकल्स इन इट, या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं. तो जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. ओके, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग हियर एंड देयर इन रैंडम डायरेक्शंस. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. हर एक ऑब्जेक्ट पे एटमॉस्फेयर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये जो प्रेशर होता है दैट्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस. ओके, ऐसा नहीं होता है कि लेफ्ट साइड से कम आ गया और राइट साइड से ज्यादा प्रेशर आ गया. इट्स ऑलवेज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस. लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर हैज मास एंड वेट. फॉर दिस हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यू कैन डू दिस एट होम. आपको जस्ट एक स्टिक चाहिए फ्रॉम अ ब्रूम, या फिर पेपर या प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज कर सकते हो. उसे आपको ऐसे टाई करके रखना है ताकि वो हॉरिजॉन्टल रहे. ठीक है, उसके सेंटर से आपको कोई भी एक थ्रेड से फ्लैट सर्फेस से अटैच कर दो एंड वो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए. ठीक है, नाउ टेक टू बलून्स ऑफ द सेम साइज एंड दोनों एंड पे उसको टाई कर दो. अब एक बलून को रिमूव करके आपको उसको इन्फ्लेट करना है, मतलब उस पे हवा भरना है, फिर से उसको बांध देना है. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप उसको बांध दोगे दिस पार्ट विल गो डाउन. व्हाई दिस हैपेंड, अगर एयर में मास नहीं होता, एयर में वेट नहीं होता, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी. एक साइड का वजन ज्यादा हो गया इसीलिए दैट साइड वेंट डाउन. सो इससे क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि एयर के अंदर मास है, एयर के अंदर वेट है. ठीक है, एयर का भी कुछ वजन होता है, इसीलिए बलून का ये साइड राइट साइड नीचे की तरफ आ गया. बिकॉज जब भी हमने उस पे हवा भरा इट्स वेट इंक्रीज्ड. ओके, कंपेयर टू दिस बलून जिसके अंदर हवा नहीं है, इस बलून का मास बढ़ गया इसीलिए वो नीचे की तरफ हो गया. ठीक है, सो दिस शोज दैट एयर हैज मास एंड वेट. सो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एयर मॉलिक्यूल्स मूव कॉन्स्टेंटली. नाउ एयर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही तेजी से रैंडम डायरेक्शंस में घूमते रहते हैं. अब इसे चेक करने के लिए ये भी आप घर पे कर सकते हो एक एक्सपेरिमेंट. आप कोई भी रूम के कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, आस्क योर पेरेंट और योर सिबलिंग टू स्प्रे रूम फ्रेशनर फ्रॉम अदर कॉर्नर. ओके, रूम के दूसरे कॉर्नर से रूम फ्रेशनर को स्प्रे कर रहा है. विद इन सेकेंड्स वो रूम फ्रेशनर का स्मेल आप तक पहुंचेगा. ये क्यों हुआ, आपके पेरेंट ने तो उसे दूसरे कॉर्नर से स्प्रे किया था, बट स्टिल आपके तरफ वो सारा फ्रेग्रेंस आ गया. दैट्स बिकॉज एयर के पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं. तो ये पार्टिकल्स के साथ फ्रेशनर के जो बूंदे हैं वो मिक्स हो जाते हैं एंड दे ट्रैवल विद द एयर पार्टिकल्स, एंड दैट्स व्हाई आप दूसरे कॉर्नर पे खड़े थे तो भी आप वो फ्रेग्रेंस स्मेल कर पाए. ठीक है, सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज एयर मॉलिक्यूल्स मूव कॉन्स्टेंटली, तेजी से रैंडम डायरेक्शंस में घूमते रहते हैं. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. जो भी गैसेस प्रेजेंट है एयर में उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है. ओके, गैसेस सभी पार्टिकल्स से बने हुए हैं. सो ऑल दीज पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, वो हमेशा मूव करते रहते हैं. अब ये मॉलिक्यूल्स जब एक बॉडी को हिट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके हाथ के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है. आपको एक कॉइन रखने से कुछ नहीं होगा, बट वही अगर आपने 10 कॉइन्स आपकी हथेली पे रख दी है तो व्हाट विल हैपन, यू विल फील सम काइंड ऑफ प्रेशर. कुछ तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऐसा लगेगा आपको. वैसे ही जो एयर के अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का भी कुछ तो वेट है. ओके, बहुत कम है बट ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है. सो वो सभी पार्टिकल्स जो भी ऑब्जेक्ट को आके हिट करते हैं तो वो एक काइंड ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन दैट ऑब्जेक्ट. हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोल सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन एनी बॉडी. ओके, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. सभी डायरेक्शंस पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी डायरेक्शन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है तो वो सभी डायरेक्शन से सेम ही होता है. इट्स नॉट लाइक कि लेफ्ट डायरेक्शन में डिफरेंट है, राइट डायरेक्शन में डिफरेंट है. इट्स ऑलवेज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स परफॉर्म अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे आपको एक सिरिंज की जरूरत होगी, अ सिरिंज विदाउट द नीडल. नीडल पार्ट की जरूरत नहीं होगी आपको, जस्ट द प्लास्टिक पार्ट जहाँ पे ये जो लाइटर पार्ट है इसको हम बैरल कहते हैं एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, जिसे हम आगे पीछे खींच सकते हैं उसे पिस्टन कहते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन वी पुल द पिस्टन उसे हम आराम से खींच सकेंगे. कोई आपको एक ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होगी, एक मिनिमल अमाउंट ऑफ फोर्स आप जब अप्लाई करोगे तो इट विल बी इजिली पुल्ड आउट. अब आप जैसे ही इसको पुल करना छोड़ दोगे इट विल बी एट इट्स पोजिशन, ऐसे ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको छोड़ दिया एंड इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. इट विल बी इन दिस शेप ओनली. जो स्पॉट पे आपने इसको खींचना छोड़ दिया था वो उसी स्पॉट पे रह जाएगा. इस सेम प्रोसीजर को हमें परफॉर्म करना है बाय कीपिंग दिस इनलेट. ये जो ओपन पार्ट होता है इसे कहते हैं इनलेट. इस इनलेट को क्लोज कर हम इस सेम प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. पहले इसे पुश बैक कर देंगे उसके ओरिजिनल पोजीशन पे. अब व्हाट विल डू इज विल पुट अ रबर स्टॉपर. ठीक है, ये आप यहाँ पे हाथ भी रख सकते हो या फिर आपके पास अगर कोई इरेजर है उसे पियर्स करके इसके अंदर घुसा के रख सकते हो. बेसिकली आपको सिर्फ ये इनलेट को स्टॉप करके रखना है कि यहाँ से एयर फ्लो ना हो. ठीक है, सो ये कर दिया. अब जब आप पिस्टन खींचोगे तो पहली बात तो पिस्टन खींचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. जैसे ही आप इस पिस्टन को रिलीज कर दोगे वो अपने आप पीछे की तरफ चला जाएगा. ओके, इट विल गो बैक टू इट्स पोजिशन ऑन इट्स ओन. Why this happened? Let's understand this. तो इनलेट क्लोज कर आपने जब पिस्टन को खींचा तो मोर स्पेस बिकेम अवेलेबल फॉर द एयर इनसाइड द सिरिंज. अब इस इनलेट को क्लोज करने से पहले यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स घुस गए होंगे. आपने फिर इस इनलेट को क्लोज कर दिया, मतलब इतना एयर प्रेजेंट है. अब जैसे ही आप इसे पीछे की तरफ खींचोगे तो इतना ज्यादा स्पेस मिल गया. ये छोटे से क्वांटिटी ऑफ एयर को कितना ज्यादा स्पेस मिल गया, तो एयर के पार्टिकल्स फैल जाएंगे. अब बिकॉज एयर के पार्टिकल्स फैल गए हैं इसीलिए इस पार्ट के अंदर जो एयर प्रेशर होगा वो कम होगा. ठीक है, एंड क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है एंड अंदर का प्रेशर कम है इसीलिए जैसे ही आपने इस पिस्टन को छोड़ दिया इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. एयर के प्रेशर ने इस पिस्टन को अंदर की तरफ पुश कर दिया. क्लियर? अब इस एक्सपेरिमेंट को आप कोई भी पोजीशन पे ट्राई करो. इसे अभी हॉरिजॉन्टल रखा है, अब इसे आप सीधा रखिए, वर्टिकल रखिए, टिल्टेड रखिए, कैसे भी पोजीशन पे आप इसे रखिए. आफ्टर यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट आपको रिजल्ट सेम ही मिलेंगे. क्यों? बिकॉज कोई भी डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सेम ही होता है. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है इट विल बी सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. सो क्लियर विद ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था एयर हैज मास एंड वेट. सेकंड प्रॉपर्टी वाज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? अंडर नॉर्मल कंडीशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर इट्स 101,400 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर होता है. ये सी लेवल पे है और जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं दैट इज हम जितने ज्यादा ऊपर जाएंगे वहां पे एटमॉस्फेयर का प्रोपोर्शन कम होता जाता है. राइट, एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है वो कम होते जाते हैं. अब नेचुरली जब एयर के गैसेस कम होंगे मतलब एयर के पार्टिकल्स कम हो रहे हैं सो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहां पे कम होता है. ओके, तो सी लेवल पे इतना होता है 101,400 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर और जितना आप ऊपर जाओगे सी लेवल के जितना आप ऊपर जाओगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं हम? देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड डैनियल बर्नौलीज प्रिंसिपल. नाउ डैनियल बर्नौली जो थे ही वॉज अ स्वीडिश साइंटिस्ट. इन द ईयर 1726 उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फाइंड आउट किया था जो बताता है हमें एयर प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में क्या कनेक्शन है. तो जब भी एयर का वेलोसिटी बढ़ता है तो एयर का प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? एयर का प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, मोर द वेलोसिटी लेस द एयर प्रेशर. एयर का वेलोसिटी जब डिक्रीज होता है तभी एयर का प्रेशर बढ़ता है. वेलोसिटी और एयर प्रेशर में क्या कनेक्शन है?
जब वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, एंड वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है. सो हियर यू कैन नोट, एक क्वांटिटी जब बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी कम हो रहा है, तो दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, दैट इज यू कैन टेक अ पेपर, कोई भी आपके नोटबुक का थिन शीट ऑफ पेपर ले सकते हो और उसके ऊपर की तरफ आप ब्लो करो. जब भी आप ऊपर की तरफ ब्लो करोगे तो यू कैन सी पेपर के नीचे का पार्ट जो है इट विल मूव अप. ओके, आप ब्लो ऊपर की तरफ कर रहे थे बट पेपर का नीचे का पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा. दैट्स बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, क्योंकि आप जब ब्लो कर रहे थे तो पेपर के ऊपर के पार्ट में जब वेलोसिटी बढ़ रहा है, आप ब्लो कर रहे हो, मतलब वेलोसिटी, एयर का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. अब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन, एयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. बिकॉज ऊपर की तरफ एयर का प्रेशर कम हो जाता है बट नीचे की तरफ कोई असर नहीं है. ओके, आप ब्लो कहाँ पे कर रहे हो, पेपर के ऊपर के पार्ट में. पेपर के ऊपर के पार्ट में वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बट पेपर के नीचे के पार्ट में एज इट इज है, प्रेशर उतना ही गिर रहा है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अब जैसे ही ऊपर के पार्ट में एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो नीचे के पार्ट को वो प्रेशर ज्यादा लगेगा एंड वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा. ट्राई करके देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा. यू कैन ट्राई अनदर एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, जहाँ पे आपको एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए और दो स्ट्रॉ की जरूरत होगी. फर्स्ट हमें उसे अरेंज कर देना है, एक स्ट्रॉ को वर्टिकली ग्लास के अंदर रख देना है एंड एक को हॉरिजॉन्टली आपको ऐसे पकड़ना है. ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉ है उससे हम ब्लो करेंगे कहाँ पर, जो ये स्टैंडिंग स्ट्रॉ है उसके ओपन एंड के पार्ट पे आपको ब्लो करना है. जैसे ही आप ब्लो करोगे व्हाट विल हैपन, वहां के एयर का वेलोसिटी बढ़ जाएगा. अब वेलोसिटी जब बढ़ता है तो एयर के प्रेशर पे क्या असर होगा, एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और जैसे ही एयर का प्रेशर यहाँ पे कम है बट यहाँ पे कुछ असर हो रहा है एयर के प्रेशर को, यहाँ पे कोई असर नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे एयर का वेलोसिटी सब तो वैसे ही है. ओके, सो यहाँ पे प्रेशर हायर है और यहाँ पे क्योंकि आप ब्लो कर रहे हो तो प्रेशर लो है. कोई भी चीज मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पानी को इस स्ट्रॉ के हायर प्रेशर एरिया से, जो कि है स्ट्रॉ का बॉटम पार्ट, यहाँ से इस पानी को पुश करेगा ऊपर की तरफ एंड आप देख पाओगे कि एक छोटा सा फाउंटेन फॉर्म होता है. वॉटर एकदम तेजी से ऊपर की तरफ आता है इसीलिए वो एक फाउंटेन जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है. तो आप जितने फोर्सफुली ब्लो करोगे उतना बड़ा फाउंटेन बनेगा. ओके, इतना बड़ा नहीं बनता है, इट्स जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस, ताकि आपको समझे. ये भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझेगा. तो ये जो हो रहा है दैट्स बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल. सो बर्नौलीज प्रिंसिपल इज सिंपल, जब एयर का वेलोसिटी बढ़ता है तो वहां पे उस एरिया पे जहां पर भी एयर का वेलोसिटी बढ़ रहा है वहां पर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, और एयर का वेलोसिटी अगर कम हो रहा है तो एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय बिट्स. व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर एट टू डिफरेंट प्लेसेस, दो जगहों पे जब एयर के प्रेशर में डिफरेंसेस होता है तो वहां पर एयर क्या करेगा, इट विल शो मूवमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू द प्लेस ऑफ लोअर प्रेशर. ठीक है, हमेशा कोई भी चीज आप देखोगे तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल तक मूव करता है. सो यहाँ पर एयर कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, एयर विल शो मूवमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर प्रेशर, कोई जो भी जगह जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है वहां से लेकर इट विल मूव टू द प्लेस जहाँ पे प्रेशर कम होगा. ऐसे जब एयर मूव करता है तो हमें ब्रीज या फिर विंड ब्लो हो रहा है ऐसा लगता है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज विंड्स. ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में आपके ज्योग्राफी में सीख सकते हो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन. हमें पता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी मींस एटमॉस्फेयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है. ठीक है, अगर ये कंसिडर करो ये हमारा एटमॉस्फेयर है तो इसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसका कितना क्वांटिटी है, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे ह्यूमिडिटी. कुछ एरिया में जब हम जाते हैं जैसे मुंबई क्लाइमेट, व्हेन यू गो देयर गर्मियों में आपको बड़ा चिपचिपा लगता है, यू स्वेट अ लॉट. व्हाई, बिकॉज वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है. ओके, एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है बहुत ज्यादा हाई रहते हैं इसीलिए एयर बहुत हेवी और स्टिकी लगता है. वहीं आप कहीं और जाओगे जैसे फॉर इंस्टेंस पुणे में, द एयर इज वेरी ड्राई. पुणे में ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस कम्पेयर टू मुंबई. एयर जब ड्राई लगता है, स्टिकी नहीं लगता है, सो दैट मीन्स उस एरिया का ह्यूमिडिटी कम है. मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दैट
एरिया इज वेरी लो. सो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है. ओके, सो दिस वाज अबाउट ह्यूमिडिटी. अब कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. सो यू नो वाटर की थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. सॉलिड में वो आइस रहता है, लिक्विड में वी कॉल इट एज वाटर, एंड गैसियस स्टेट इज वाटर वेपर. ठीक है, सो वाटर वेपर दैट इज द गैसियस स्टेट को जब हम ठंडा करेंगे तो वॉट विल हैपन, वो कन्वर्ट हो जाएगा इन टू लिक्विड स्टेट. सो वेन द वेपर कूल्स डाउन इट गेट्स कंडेंस्ड एंड गेट्स ट्रांसफॉर्म इन टू वाटर, और इस वाटर ड्रॉपलेट्स को हम कहते हैं ड्यू. को समझ ले कि ये बहुत ही सिंपल सा चीज आप कर सकते हो. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दो उसके अंदर, बीच से पानी बहुत ठंडा हो जाएगा. आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आप देखोगे कि ग्लास के बाहरी सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए होंगे. दैट्स बिकॉज जो भी वाटर वेपर वो सराउंडिंग पे प्रेजेंट था वो कंडेंस हो गया है इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है, ये ग्लास के अंदर से बाहर नहीं आए हैं. जो बाहर एयर प्रेजेंट है, ग्लास के बाहर जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट था, वो वाटर वेपर जब इस ग्लास के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो वाटर वेपर ठंडा हो जाता है. अब वाटर वेपर ठंडा होना मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिक्विड स्टेट. इसीलिए ऐसे छोटे छोटे बूंदे दिखती है आपको ग्लास के बाहरी सरफेस पे. सो दैट्स ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन. सो नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एयर के अंदर जैसे कि हमने सीखा था कि एयर के अंदर बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं. ये फाइन पार्टिकल्स गैसेस के होते हैं, डस्ट के होते हैं, स्मोक के होते हैं, एंड वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, दैट इज मॉइस्चर भी प्रेजेंट है. तो जब भी एक रे ऑफ लाइट ये पार्टिकल्स पे पड़ते हैं तो ये रे ऑफ लाइट वो पार्टिकल को हिट करने के बाद इट स्प्रेड्स आउट इन ऑल डायरेक्शंस. ओके, स्कैटरिंग मतलब वो फैल जाता है सारे ही डायरेक्शंस पे. सो एक रे ऑफ लाइट जब ये पार्टिकल्स पे हिट करता है तो इट इज स्प्रेड आउट और इट स्कैटर्स ऑल अराउंड, सारे ही डायरेक्शंस पे वो स्प्रेड हो जाता है. अब हमें पता है लाइट जो है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स. जैसे रेनबो है, रेनबो में 7 कलर्स है, लाइट भी ऐसे डिफरेंट कलर से भरा हुआ होता है. तो जब भी वो पार्टिकल्स को हिट करते हैं तो ये सारे ही जो कलर्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई हमको डिफरेंट कलर्स सब जगह दिखते हैं. अब स्काई हमें ब्लू क्यों अपीयर होता है? दैट्स बिकॉज कि रे ऑफ लाइट जब हिट करता है तो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो कुछ ज्यादा होता है एंड वो ज्यादा स्प्रेड होता है. दैट्स रीजन हमें स्काई ब्लू दिखता है. अब ये जो नेचुरल फेनोमेना है इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. हर एक कलर्स के डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं तो वो सब आपने हायर स्टैंडर्ड्स पे सीखोगे. ओके, अभी आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी एक रे ऑफ लाइट एक पार्टिकल को हिट करता है तो वो सारे ही डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है. इस फेनोमेना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन. सन से जो एनर्जी हमें मिलता है वो आके हमारे अर्थ के सरफेस को हिट करेगा, राइट? जो भी हीट एंड लाइट एनर्जी सन एमिट कर रहा है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय अवर अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. सो जो भी एनर्जी आ रहा है थोड़ा सा अर्थ का सरफेस उसको अब्सॉर्ब कर लेगा और बाकी जो भी है इट विल रिफ्लेक्टेड बैक. अब एयर के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड हीट जो है उसे वो एब्सॉर्ब करेंगे. बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं दैट्स वाई अर्थ का जो सर्फेस है वो वॉर्म रहता है, वो थोड़ा सा गर्म रहता है. एंड बिकॉज वो गर्म है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर रहते हैं उन्हें एक सूटेबल क्लाइमेट मिल जाता है सर्वाइव करने के लिए. अगर सपोज एयर के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, एयर ही नहीं होता, तो व्हाट वुड हैपन, ये जो भी सनलाइट हमारे अर्थ के सर्फेस पे आ रहा है इट विल हिट द सर्फेस एंड रिफ्लेक्ट बैक. सिर्फ थोड़ा सा अबाउट अर्थ का सर्फेस उसे एब्जॉर्ब करेगा, बाकी पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा. दैट मींस अर्थ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा एंड इतने लो टेम्परेचर पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन. मतलब टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखने के लिए एटमॉस्फेयर इज वेरी मच एसेंशियल. सो एयर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. सो क्लियर? Understood what you mean by temperature regulation? Next topic is transmission of sound. Air is useful as a medium for transmission of sound. हम जो भी बातें करते हैं वो साउंड वेव्स को एक मीडियम चाहिए होता है. उसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए इट नीड्स अ मीडियम, और साउंड के लिए वो मीडियम है एयर. तो जो भी हम हमारे आसपास सुनते हैं दैट्स बिकॉज ऑफ द एयर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. एयर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एक मीडियम का काम करते हैं एंड साउंड के वेव्स को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रेवल कराते हैं. अब
क्लैरिटी मतलब कितने क्लियरली हमको एक चीज सुनाई दे रहा है, दैट डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ एयर मतलब एयर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट या कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कितना डेंस है एयर. एयर का जो डेंसिटी है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, टेम्परेचर अगर कम है तो एयर का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इन दैट सीजन एयर का डेंसिटी क्या होगा, एयर का डेंसिटी कम हो जाएगा. मतलब मोर द टेम्परेचर लेस द डेंसिटी ऑफ एयर. और विंटर सीजन में टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर कम होगा तो एयर की डेंसिटी पे क्या असर होगा, एयर का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा. इसीलिए विंटर्स में हम अर्ली मॉर्निंग चीजों को प्रॉपरली सुन सकते हैं, क्लियरली सुन सकते हैं. और अगर आपके घर के आसपास कहीं रेलवे ट्रैक्स पे तो यू कैन हियर द विसल ऑफ द ट्रेन वेरी क्लियरली. और विंटर्स पे ये आपको ज्यादा अच्छे से सुनाई देते हैं बिकॉज एयर का डेंसिटी तभी बहुत हाई होता है. एंड एयर की डेंसिटी हाई होने से क्या होगा, साउंड का क्लैरिटी ज्यादा होता है. ठीक है, सो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. सो वी विल स्टॉप हियर. दिस वाज पार्ट 1, जहां पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में सीखा. द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में हम पार्ट 2 में सीखेंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में हम पार्ट 3 में सीखेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दोज पार्ट्स एज वेल. द लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप आई कार्ड पे जाकर प्ले लिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो. इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Thank you so much for watching. This is Srija signing off. See you in the next video.